हाय गाइस, वेलकम टू रिमास गार्डन। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ मेरी एल्युमिनियम प्लांट, जिसको पाइलिया कादियरी भी कहते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी एल्युमिनियम प्लांट। इसको एल्युमिनियम प्लांट इसलिए कहते हैं कि जैसे एल्युमिनियम की पेंट की हो ऐसा लगता है, इसलिए इसको एल्युमिनियम प्लांट भी कहते हैं। तो ये प्लांट मैं दूर से दिखाती हूँ। ये प्लांट मुझे बहुत पसंद है, इसकी लुक्स बहुत पसंद है और बहुत शाइनी भी है। अभी मैंने इसमें नीम की पत्तियों को उबाल के मैं रखती हूँ, हमेशा नीम की पत्तियों को उबाल के रखती हूँ। उस पानी को मैं ऐसे स्प्रे बोतल में रख देती हूँ और कभी सकुलेंट को फंगस इन्फेक्शन हो जाए तो भी स्प्रे करती हूँ। अभी मैंने इस प्लांट को भी स्प्रे की है क्योंकि इसमें सीटियाँ दौड़ रही थी। जब इसमें सीटियाँ दौड़ती है तब इसको इन्फेक्शन हो जाता है, मेलीबग जैसा भी हो जाता है कभी कभी इस प्लांट को, तो इसकी लुक्स खराब हो जाती है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए इसको मैंने अभी स्प्रे की है, तभी मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूं, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि हमारी ये प्लांट्स तो सलती ही नहीं है, इन्फेक्ट हो जाता है और मर भी जाता है। तो सभी के लिए हेल्प होगा। ये देखिए सीटियां दौड़ रही है, अभी मैं इसमें भी स्प्रे करने वाली हूँ। ये देखिए जब इसमें नीम की पत्तियों को उबाल के मैं स्टोर करती हूँ इस बोतल में, कह दिया ना अभी, तो ऐसे स्प्रे करते रहिए बीस बीस में, तभी इन्फेक्शन भी नहीं हो जाता है और अच्छी तरह से ग्रो भी हो जाता है। जैसे सकुलेंट की केयर की जरूरत होता है, ठीक इसी तरह ये प्लांट्स को भी बहुत केयर की जरूरत होती है। डायरेक्ट सनलाइट में ये प्लांट चलती नहीं है, इसलिए इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना चाहिए और इसको समय समय पर प्रूनिंग करना चाहिए। अभी इसको मैं प्रूनिंग करने वाली हूँ, इस जगह पे काट करूंगी मैं और इसमें भी करूंगी, क्योंकि जब प्रूनिंग नहीं करूंगी ना तब इसकी लेंथ हो जाता है, ऐसे भूसी नहीं होते हैं, इसलिए लुक्स अच्छी लुक्स के लिए हमें प्रूनिंग करना चाहिए। और ये फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, बहुत बहुत जल्दी जल्दी ग्रो हो जाता है और कहते हैं कि जब ये खिलता है तब एयर प्यूरिफाइंग की भी काम करता है। तब ये प्लांट हमारे लिए बहुत अच्छी है, हमें एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स रखना चाहिए घर में। तो गाइस, आप लोगों को भी ये प्लांट्स अभी तक नहीं लाई हो तो लाना चाहिए। आप लोगों को ये एल्युमिनियम प्लांट्स कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।